अंदर से अंदर से मजबूत ना मजबूत कोई ना एक कोई दिन में एक नहीं दिन में नहीं बनता, बनता। ये एक ये कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल ग्रेजुअल प्रोसेस प्रोसेस है है जो कि पूरी लाइफ चलता रहता है। जब आप ठोकरे खाते हैं, लोगों के धोखे खाते हैं, आपकी आपकी परिस्थितियां ही परिस्थितियां ही आपको आपको मेंटली मेंटली स्ट्रोंग स्ट्रोंग बनाती बनाती हैं। हैं। बुरी से बुरी बुरी से बुरी सिचुएशन में जब आप सिचुएशन में फंस जब आप जाते फंस हो, जाते हो, जब आप जब उससे आप उससे बाहर बाहर निकलने निकलने का का रास्ता रास्ता ढूंढने ढूंढने लगते लगते हो, हो, ऐसा ऐसा लगता लगता है है परिस्थितियां परिस्थितियां हमें हमें छोड़ छोड़ ही ही नहीं नहीं रही, रही, हमारा हमारा बुरा बुरा वक्त वक्त खत्म खत्म ही ही नहीं नहीं हो हो रहा। रहा। तब तब आप आप उसे उसे फेस फेस करते करते हो, हो, डट डट के के मुकाबला मुकाबला करते करते हो, हो, लड़ते लड़ते हो, हो, बाहर बाहर आने आने की की कोशिश कोशिश करते करते हो, हो, वो वो कोशिशें कोशिशें ही ही आपको आपको अंदर अंदर से से मजबूत मजबूत बनाती बनाती है। है। आपकी आपकी हजार हजार कोशिशों कोशिशों में में आपकी आपकी कोई कोई एक एक कोशिश कोशिश ऐसी ऐसी होती होती है, है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा करते करते हो हो आप आप कि कि आखिरकार आखिरकार आप आप उससे उससे बाहर बाहर आ आ ही ही जाते जाते हो। हो। जो जो इंसान इंसान मेंटली मेंटली स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं नहीं है, है, वो वो हमेशा हमेशा अपना अपना डिसीजन डिसीजन दूसरे दूसरे के के हिसाब हिसाब से से लेगा, लेगा, वो वो हमेशा हमेशा दूसरों दूसरों पे पे ही ही डिपेंड डिपेंड रहेगा। रहेगा। और और जो जो बंदा बंदा मेंटली मेंटली स्ट्रांग स्ट्रांग होगा होगा ना, ना, वो वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हमेशा खुद खुद लेगा। लेगा। जो जो उसने उसने डिसीजन डिसीजन लिया लिया है, है, वो वो उसके उसके लिए लिए कभी कभी दूसरों दूसरों को को ब्लेम ब्लेम नहीं नहीं करेगा। करेगा। फॉर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से से कि कि आपने आपने कोई कोई फैसला फैसला लिया, लिया, आपको आपको नहीं नहीं पता पता उसका उसका क्या क्या परिणाम परिणाम निकलेगा, निकलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या क्या रिजल्ट रिजल्ट निकलेगा निकलेगा यू यू डोंट डोंट नो। नो। बट बट क्योंकि क्योंकि वो वो डिसीजन डिसीजन आपने आपने लिया लिया है, है, तो तो कल कल अगर अगर उसका उसका रिजल्ट रिजल्ट अच्छा अच्छा भी भी निकलता निकलता है, है, तो तो उस उस पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट रिजल्ट से से आपको आपको आगे आगे आने आने वाले वाले और और नए नए डिसीजंस डिसीजंस लेने लेने में में हेल्प हेल्प मिलेगी। मिलेगी। लेकिन लेकिन अगर अगर उसका उसका रिजल्ट रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव निकलता निकलता है, है, तो तो भी भी आपकी आपकी एक एक लर्निंग लर्निंग हुई हुई ना ना उसके उसके लिए। लिए। बट बट क्योंकि क्योंकि वो वो फैसला फैसला आपने आपने लिया लिया था, था, तो तो आप आप उसका उसका ब्लेम ब्लेम दूसरों दूसरों पे पे नहीं नहीं डाल डाल सकते। सकते। अच्छा अच्छा मान मान लो लो कि कि आप आप कहीं कहीं जॉब जॉब करते करते हो, हो, आपने आपने अभी 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 वो वो जॉब जॉब ज्वाइन ज्वाइन की की है, है, बट बट आप आप वहाँ वहाँ खुश खुश नहीं नहीं हो, हो, आपको आपको लग लग रहा रहा है है आपका आपका वहाँ वहाँ टॉर्चर टॉर्चर हो हो रहा रहा है। है। वो वो जॉब जॉब आपने आपने किसी किसी से से पूछ पूछ के के तो तो ज्वाइन ज्वाइन नहीं नहीं की की थी, थी, अगर अगर आप आप वहाँ वहाँ खुश खुश नहीं नहीं हो हो तो तो आप आप दूसरे दूसरे को को ब्लेम ब्लेम नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। सो सो जब 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 आप आप अपना अपना डिसीजन डिसीजन खुद खुद लेते लेते हो हो ना, ना, आप आप उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भी खुद खुद लेते लेते हो। हो। आप आप उससे उससे निकलने निकलने वाले वाले जितने जितने भी भी रिजल्ट्स रिजल्ट्स होंगे, होंगे, अच्छे अच्छे बुरे, बुरे, आप आप उसके उसके लिए लिए खुद खुद जिम्मेवार जिम्मेवार हो। हो। और और जब जब आप आप ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते हो हो ना, ना, तो तो आप आप मेंटली मेंटली स्ट्रांग स्ट्रांग बनते बनते हो। हो। दूसरा, दूसरा, आप आप हर हर रोज रोज खुद खुद से से बात बात करने करने की की आदत आदत डालो। डालो। खुद खुद आपको आपको अपनी अपनी सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरत जरूरत होती होती है है इस इस दुनिया दुनिया में। में। हालांकि हालांकि हम हम खुद खुद के के साथ साथ पूरा पूरा दिन दिन होते होते हैं, हैं, सेल्फ सेल्फ टॉक टॉक तो तो हम हम पूरा पूरा दिन दिन ही ही करते करते हैं, हैं, लेकिन लेकिन यहाँ यहाँ पर पर मैं मैं बात बात कर कर रही रही हूँ हूँ एक एक कॉन्शियस कॉन्शियस सेल्फ सेल्फ टॉक टॉक की, की, एक एक ऐसी ऐसी सेल्फ सेल्फ टॉक टॉक जिसमें जिसमें आप आप जो जो सोचते सोचते हो, हो, आप आप जो जो बोलते बोलते हो हो अंदर अंदर ही ही अंदर, अंदर, आप आप उसके उसके लिए लिए अवेयर अवेयर हो। हो। एक एक अच्छी अच्छी क्वालिटी क्वालिटी की की पॉजिटिव पॉजिटिव सेल्फ सेल्फ टॉक टॉक बहुत बहुत ही ही जरूरी जरूरी है है हमारी हमारी मेंटल मेंटल ग्रोथ ग्रोथ के के लिए। लिए। जो जो वेस्ट वेस्ट थॉट्स थॉट्स हमारे हमारे माइंड माइंड की की इम्यूनिटी इम्यूनिटी को को डाउन डाउन कर कर रही रही है, है, अगर अगर हम हम उनके उनके लिए लिए अवेयर अवेयर नहीं नहीं है, है, तो तो हम हम कहीं कहीं भी भी जा जा रहे रहे हैं हैं हमें हमें पता पता भी भी नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। तो तो ऐसी ऐसी नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स थॉट्स को को आप आप तभी तभी अवॉइड अवॉइड कर कर सकते सकते हो हो जब जब आप आप अपने अपने अंदर अंदर एक एक कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस लेके लेके आते आते हो, हो, जब जब आप आप अवेयर अवेयर हो हो अपने अपने विचारों विचारों के के प्रति, प्रति, जब जब आप आप अवेयर अवेयर हो हो कॉन्शियस कॉन्शियस हो हो अपने अपने थॉट्स थॉट्स के के प्रति, प्रति, फिर फिर आप आप अपने अपने इमोशंस, इमोशंस, अपनी अपनी फीलिंग फीलिंग से से भी भी सही सही तरीके तरीके से से डील डील करना करना सीख सीख जाओगे। जाओगे। अंदर अंदर से से मजबूत मजबूत होने होने का का मतलब मतलब ये ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं है है कि कि आपको आपको आपके आपके अंदर अंदर कोई कोई इमोशंस इमोशंस ही ही नहीं नहीं है, है, वैसा वैसा तो तो बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल पॉसिबल नहीं नहीं है। है। आपको आपको गुस्सा गुस्सा भी भी आएगा, आएगा, आपको आपको रोना रोना भी भी आएगा, आएगा, डिपेंड डिपेंड करता करता है है आप आप किस किस सिचुएशन सिचुएशन से से गुजर गुजर रहे रहे हो, हो, लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी आप आप इतना इतना अंदर अंदर से से मजबूत मजबूत हो हो गए गए हो हो कि कि आप आप इन इन परिस्थितियों परिस्थितियों में में अपने अपने इमोशंस इमोशंस को को कंट्रोल कंट्रोल करना करना जानते जानते हो, हो, कि कि आपको आपको कैसे कैसे क्या क्या करना करना है, है, कि कि आपको आपको कैसे कैसे बाहर बाहर आना आना है है उस उस परिस्थिति परिस्थिति से। से। एक एक सच, सच, एक एक सत्य सत्य है है जो जो इस इस दुनिया दुनिया में में सबके सबके लिए लिए एप्लीकेबल एप्लीकेबल है। है। अगर अगर आप आप उससे उससे अवेयर अवेयर हो, हो, दूसरा दूसरा आपने आपने अंदर अंदर तक तक उसको उसको उतार उतार लिया लिया है है ना, ना, तो तो आप आप हर हर सिचुएशन सिचुएशन को को मोल्ड मोल्ड करना करना भी भी जानते जानते हो हो इसमें। इसमें।
खुश रहोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप खुश रहोगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर मिलेगी अपनी लाइफ में। बाकी अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।